आज का जो टॉपिक है यह है लीवर एब्सेस। लीवर एब्सेस का डिफिनेशन है, एंड एब्सेस इज लोकलाइज कलेक्शन ऑफ द पस, ए कलेक्शन ऑफ द पस एनी पार्ट ऑफ द बॉडी दैट इज कॉल्ड अपर लॉब्स एंड राइट लॉब्स एंड लेफ्ट लॉब्स, यानी दो लॉब्स। इसलिए कोई भी बॉडी का किस पार्ट में होता है जनरल लैंग्वेज में, लेकिन लीवर एब्सेस में क्या है, any parts of the lobes, that is called right and left lobe. More common is right lobes. So, which is the displacement of the hepatocyte, that is called liver abscess. उसे abscess का मतलब हो गया, an abscess is localized collection of pus, a collection of pus, any part of the body, which is the displacement of a tissue. तो यहाँ displacement of hepatocyte होगा. तो ये liver abscess का definition है, more common in रेड साइड। व्हाई? एक मिनट सर, आपका ये स्लाइड नहीं शो कर रहा है। स्लाइड नहीं शो रहा, वही कर, एक मिनट। अरे सब वो कर रहे हैं ना, सब अब जॉइनिंग हो रहा फास्ट। हाँ ठीक है सर, अब हो गया सर। क्लासिफिकेशन में है, दे आर द थ्री टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, लेकिन मेन टू है क्लासिफिकेशन। लीवर अब्सेस का मेन सबसे पहला ज्यादा है पायोजेनिक लीवर अब्सेस एंड अबिमिक लीवर अब्सेस। अब तीसरा है फंगल अब्सेस, लेकिन मोर कॉमन फोन इन बिहार, यूपी, बंगाल में अमीबिक लीवर अब्सेस मिलता है। ये हम लोग के इस एरिया में, हम लोग तारी यहाँ इस एरिया में लोग ज्यादा पीते हैं, इसलिए कॉमन टोडी एडिक्ट की वजह से अमीबिक लीवर अब्सेस कॉमन पड़ता है। हाँ एक मिनट, तो इसलिए टोडी के एडिक्ट की वजह से, इंटामीबा हिस्टोलिटिका की वजह से सबसे ज्यादा अपने लोग को इस एरिया में अमीबिक लीवर अब्सेस कॉमन मिलता है, समझे। और पायोजेनिक लीवर अब्सेस उससे कम मिलता है। फंगल थर्ड में, इसका सेकेंडरी इन्फेक्शन में फंगल अब्सेस कॉमन हो जाता है, या फंगल बॉडी का है, बॉडी में कहीं से स्प्रेड करके चला जाता है, जहाँ फंगल है उसके स्प्रेड करके जाता है, इसलिए तीसरा आता है। फंगल बहुत कॉमन है, तो इसलिए हम लोग सिम्टोमेटिक देते हैं, लेकिन मेन ज्यादा सब ज्यादा अमीबिक लीवर अब्सेस है, सेकेंड है पायोजेनिक लीवर अब्सेस, थर्ड है फंगल लीवर अब्सेस। देखो इसके पैथोफिजियोलॉजी में सोर्स ऑफ द पायोजेनिक लीवर अब्सेस का से शुरू कर रहे हैं। तो पायोजेनिक लीवर अब्सेस का जो सोर्स है उसमें सबसे ज्यादातर बिलियरी ट्रैक द्वारा इंटर करता है लीवर में। दूसरा है पोर्टल वेनस या पोर्टल वेनस सिस्टम द्वारा करता है, ये 23% है लगभग। तीसरा है क्रिप्टोजेनस, उसके बाद है हीमेटोजेनस, यानी ब्लड के द्वारा सर्कुलेशन से, जैसे टॉक्सिसेमिया हो गया, उसके बैक्टीरियमिया हुआ, हीमेटोजेनस में बैक्टीरिया की वजह से, बैक्टीरियमिया की वजह से ब्लड में सर्कुलेट हो जाएगा, उसके वजह से हो जाएगा। उसके बाद है डायरेक्ट एक्सटेंशन, उसके बाद क्रोमेटिक ऑर्डर और सेकेंडरी इन्फेक्शन ऑफ द सिस्ट और ट्यूमर, जैसे पेंक्रियाटिक सिस्ट है, पेंक्रियाटिक ट्यूमर है, उससे इन्फेरियर मेसेंटिक आर्टरी द्वारा जाएगा। तो ये सब थोड़ा कम होता है, ये मेन बिलियरी ट्रैक्ट से डायरेक्ट इंटेस्टाइन से ऊपर जाता है, दैट इज कॉल्ड बिलियरी ट्रैक्ट द्वारा ज्यादा जाता है, इसलिए कॉमन इसमें ये बिलियरी ट्रैक्ट द्वारा इन्फेक्शन पायोजेनिक लीवर अब्सेस में ज्यादा, क्योंकि इंटेस्टाइन से माइग्रेट करके कॉमन ही जाता है। मोर कॉमन इन द राइट लोब, व्हाई? ये अभी बताया हमें, लेफ्ट लोब रिसीव ब्लड फ्रॉम इन्फेरियर मेसेंटिक और स्प्लीनिक वेन, इस दोनों से लेफ्ट लोब का जाता है इसको ब्लड का सर्कुलेशन, और राइट लोब रिसीव ब्लड फ्रॉम सुपीरियर मेसेंटिक और पोर्टल वेन और पोर्टल वेन। मेन कॉमन सबसे ज्यादा पोर्टल वेन द्वारा सर्कुलेट जाता है, इसके लिए कॉमन राइट लोब इन्वॉल्व ज्यादा होता है लेफ्ट लोब से लीवर अब्सेस में, ये चाहे अमीबिक लीवर अब्सेस हो या पायोजेनिक लीवर अब्सेस हो। स्ट्रीमिंग इफेक्ट ऑफ द पोर्टल सर्कुलेशन इज कॉजेटिव, ये तो है। के बाद वेट एक मिनट, द मोस्ट कॉमन इन्फेक्टिंग एजेंट आर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, दैट इज कॉल्ड इस्चेरिचिया कोलाई। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में इस्चेरिचिया कोलाई कॉमन बैक्टीरिया है, जो ज्यादा सबसे ज्यादा अमीबिक
लीवर अब्सेस में इन्वॉल्व करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसके ये नहीं कह सकते हो कि तुम लोग कि ग्राम पॉजिटिव लीवर अब्सेस के लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस एरिचिया को, ये उतना नहीं इंपॉर्टेंट, उससे ज्यादा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इन्वॉल्व है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेप्टोकोकस स्टैफिलोकोकस, ये ज्यादा इन्वॉल्व है। लेकिन ग्राम निगेटिव में इस एरिचिया कोलाय मेन ये इन्वॉल्व है, इंक्लूडिंग स्ट्रेप्टोकोकस, अभी मैं बताया हूँ तो स्ट्रेप्टो क्या है, फेकैलिस, स्ट्रेप्टोकोकस फेकैलिस अल्बस अल्फा बीटा हिमोलैटिकस, ये जो उसका टैप है सैटरस, ये उसका टैप है, तो उसमें स्ट्रेप्टोकोकस फेकैलिस जो इंटेस्टाइन में जो कॉमन बैक्टीरिया रहता है पॉजिटिव फेकैले, इसके वजह से कॉमन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, इसके वजह से कॉमन पैजनिक लीवर अब्सेस होता है इसके वजह से। उसके बाद क्लेबसिल्ला सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है, प्रोटियस वल्गरिस, ये कॉमन उतना नहीं है, और मेन कॉमन स्ट्रेप्टोकोकस इन पेशेंट विथ इंडोकार्डाइटिस एंड इन्फेक्टिव इंड विंग ऑफ द कैथेटर, ये जो प्री डिस्पर्जिंग फैक्टर में अगर इंडोकार्डाइटिस है वो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, इसका भी स्ट्रेप्टोकोकस है, उसके सेकेंडरी से वहां से माइग्रेट करके जाता है, लेकिन डैक ने के प्री डिस्पेंसिंग फैक्टर में आता है। दूसरी बात, हम लोग को कोई पेशेंट जो सफर बीमारी से करता है कोई भी, उसको हम लोग फोलिज कैथेटर लगाता है, उससे कैथेटर से इन करता है, वो इस्चेरिकिया कोलाय करता है, कॉमन इस्चेरिकिया कोलाय, वहां से ही सेकेंडरी इन्फेक्शन इन करता है, माइग्रेट करके जाता है, मेबी लीवर अब्सेस बनाता है। स्ट्रेप्टोकोकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस स्पेसिस आर कॉमन, ये फिर लास्ट में दे दिया जो मैं ऊपर में बताया, ये कॉमन है स्ट्रेप्टोकोकस। दो इसमें उसके बाद प्रेजेंटेशन में मेन सिम्टम एंड सैंड लीवर अब्सेस का होता है, उसमें फीवर जो है 81% पेशेंट को आता है, जिसमें फीवर चील दैट इज का फीवर चील विथ रैगर, यानी फीवर विथ एस्पेक्ट, वन टाइम के लिए आया चला गया, तो फीवर रहना इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, कोई भी बैक्टीरिया या वायरस या फंगल बॉडी में इन करता है तो सबसे पहला इंडिकेट क्या करता है, फीवर होता है, पैरोजिन रिलीज होता है, तो इसलिए फीवर है। उसके बाद वेट लॉस कम होता है, लेट से होता है, लेटेंट स्टेज में, अर्ली स्टेज में वेट लॉस तो इंपॉर्टेंट नहीं है, नोजिया वोमिटिंग इंपॉर्टेंट है, एनोरक्सिया पेन रेड शोल्डर 24% जो ये दिखाया है, तो पेन इन रैट हाइपोकोंड्रिक रीजन टू द एपिगैस्ट्रिक रीजन, दैट इज कॉल्ड रैट अपर क्वाड्रेंट कह सकते हैं, पेन रेडिएट टू रैट शोल्डर या बैक ऑफ द इंड ऑफ स्कैपुलर रीजन, इसमें मेन होता है, लेकिन एक एवरेज शोल्डर पेन तक 24% जाता है। वीकनेस मैलेज ये तो रहता ही है कॉमन, ये चील्स दिखाया या नहीं इतना परसेंट को है एब्डोमन, ये तो ये बताया कि इतना परसेंट आदमी को ये कॉमन ये सब मिलता है, ये टर्म बताया कि डिसेंट्री है 1% आदमी को, डिसेनिया भी शुरू हो जाता है, प्लूरिसी होता है इतना परसेंट, डायरिया 1.5% आदमी को होता है, ये कॉमन है। लेकिन कॉमन प्रेजेंटेशन में फीवर आइदर कंटिन्यूस और स्पैकिंग, लेकिन फीवर चील या इवनिंग राइज द टेम्परेचर इसमें भी रहेगा, जहाँ पस रहता है वहाँ नाइट स्वेट इवनिंग राइज द टेम्परेचर होता है कॉमन। उसके बाद पेन बता दिया, राइट अपर क्वाड्रेंट में पेन है, टेंडरनेस हेपेटोमेगाली, लीवर बढ़ना ही है, लीवर अब से जहाँ रहेगा वह लीवर हेपेटोमेगाली होगा ही अक्सर, क्योंकि डायलेट हो जाता है उस जगह के, वो हेपेटोसाइट को डेड होने के बाद कैविटी पस का बनाता है, इसके वजह से इनलार्ज होगा, लीवर इनलार्ज हो जाएगा। एनोरक्सिया मैलेज डायरिया इज प्रेजेंट दैट इज कॉल्ड 1/3 पेशेंट विद द एमीबिक लीवर अब्सेस, ये इंपॉर्टेंट है, एमीबिक लीवर पेशेंट को डायरिया डिसेंट्री होना इंडाइजेशन होना। डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो है एक्यूट गैस्ट्राइटिस, भले पेशेंट को डिफरेंशियल डायग्नोसिस मिलेगा, बैक्टीरियल न्यूमोनाइटिस, बिलियरी डिजीज, कोलिसिस्टाइटिस, हेपेटोसेल्यूलर कार्सिनोमा, हेडाइटिस सिस्ट, पैरानिमेटिक पिलोरी डिफ्यूजन या एम्फिजेमा थोरैक्स, यानी उस तरह का सेम चेस्ट में अक्सर ऐसा ऐसा पेशेंट को डिफरेंशियल डायग्नोसिस मिलेगा, पेन और मिलेगा, तो इसलिए ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस में ये मिलता जुलता है।
आ गया। डायग्नोसिस के लिए डायग्नोस्टिक टूल्स में लैब टेस्ट के लिए मोस्ट कॉमन में डीएलसी में डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट में डीएलसी में डब्ल्यूबीसी काउंट में न्यूट्रोफिल का इंपोर्टेंट एक्यूट इन्फेक्शन में ज्यादा है कॉमन, इसलिए न्यूट्रोफिलिक ल्यूकोसाइटोसिस इसको कहेंगे। ईएसआर इलिवेटेड ईएसआर प्रोटीन डिफिशियंसी की वजह से कॉमन होगा। इलिवेटेड अल्कलाइन फॉस्फेटेड ये एंजाइम जो है वो रिलीज होगा ज्यादा बढ़ेगा। एजीपीटी ज्यादा बढ़ेगा। सीरम बिलिम हो सकता है कि पॉजिटिव हो यानी जॉन्डिस पेशेंट को, लेकिन जरूरी नहीं है। लेकिन अल्कलाइन फॉस्फेट एजीपीटी इन्फ्लेमेशन हेपेटोसाइट का जहाँ इन्फ्लेमेशन होगा वहां सेल का हेपेटिक सेल का वहां एजीपीटी इंडिकेट ज्यादा करेगा। अल्कलाइन फॉस्फेट से भी ज्यादा एजीपीटी का इंपोर्टेंट यहाँ है। एक मिनट, ब्लड कल्चर आर द पॉजिटिव इन द रफली 50% ऑफ द केसेस में पैजेनिक लिवर अफसेस के लिए ब्लड कल्चर से पता चल जाएगा कि पैजेनिक लिवर अफसेस है, पैजेन में कौन बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में स्ट्रेप्टो या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। पहले कंफर्म करना है कल्चर से पता चलेगा ग्राम पॉजिटिव है या नेगेटिव। नेगेटिव में जैसे चेरिकिया कॉमन है समझे, साल्मोनेला टाइफी है उसके, लेकिन ग्राम पॉजिटिव में स्ट्रेप्टोकोकस में फिर कौन उसका ग्रुप है, स्टैफिलोकोकस है, क्लेफसिल्ला है, तो ये चीज ये इसीलिए कल्चर लोग करते हैं कंफर्म। और मेन एंटीबायोटिक भी सेलेक्टिव मेडिसिन भी हो जाता है इसलिए लोग कल्चर कराते हैं इसका। कल्चर ऑफ द अब्सेस फ्लूड शुड बी ए गोल इन द एस्टेब्लिश माइक्रोबियल डायग्नोसिस जो अभी मैं बताया हुआ। उसके बाद इलीजा शुड बी परफॉर्म टू डिटेक्ट इंटामीबा हिस्टोलिटिका इज द पेशेंट आइदर फ्रॉम द एंडेमिक एरिया और हु हैव द ट्रेवल्स इन द एंडेमिक एरिया। लेकिन इंटामीबा हिस्टोलिटिका के लिए कॉमन सिर्फ स्टूल एग्जामिनेशन दैट इज कॉल्ड फीसेस रूटीन एग्जामिनेशन करने से पता तुमको चल जाएगा कि इंटामीबा हिस्टोलिटिका है। उसमें दो टाइप होता है, एक तो सिस्ट होता है, दूसरा होता है क्या ट्रोफोजोइट। इससे ही पता चल जाएगा कि सिस्ट का, ये सिस्ट का पता चल जाएगा। जरूरी नहीं है इलेजा शुड बी परफॉर्म, इसका ऐसा नहीं है इतना इंपॉर्टेंट है, कॉमन इजी मेथड में स्टूल रूटीन एग्जामिनेशन से पता चल जाएगा। उसके बाद इनडायरेक्ट हीम एग्लूटिनेशन ये टेस्ट है, ये सेंसिटिव 90% है टेस्ट करके स्टूल का करने के बाद, उसे ब्लड का है लेकिन स्टूल का भी इसको करने से पता चल जाएगा इलेजा मेथड से। इमेजिंग स्टडी में अल्ट्रासाउंड जो सेंसिटिव 80 से 90% है इसमें, इसमें हाइपोइक एरिया पता चल जाएगा कि कितना डेंस है, क्या घनत्व है पस का, कितना एमएम है, कितना लीटर है, कितना ग्राम एमएल है, कितना लीटर तक पता चल जाएगा, कितना एरिया राइट लो इन्वॉल्व है या लेफ्ट लो। एस्पेरेंस में पता चल जाएगा, एस्पेरेशन के वक्त भी हम लोग गाइडलाइंस भी मिलेगा, गुड अच्छा गाइड अल्ट्रासाउंड से कर सकते हो कि कैसे करेंगे, किस लोब में है, कितना लोब में है, क्या बता देगा ये। दूसरी बात सीटी स्कैन तो महंगी चीज है लेकिन वह इसमें 90 से 100% एक्यूरेसी है, लेकिन सीटी स्कैन बहुत रियर में लोग कराते हैं, अल्ट्रासाउंड ही कंफर्म बता देता है, लेकिन उससे ज्यादा एक्यूरेसी है, कॉस्टली है ये, कॉस्ट इफेक्टिव ये कॉस्टली नहीं है अल्ट्रासाउंड, और ये सीटी कॉस्टली इसलिए सब नहीं कराते, हर जगह अवेलेबल भी नहीं रहता है, इसलिए सबसे पहले अल्ट्रासाउंड ही कंफर्म डायग्नोसिस कर देता है कि अमीबिक लिवर अब्सेस सॉरी लीवर अफसेस में राइट लोब में है लेफ्ट लोब में, ये कंफर्म नहीं बताएगा अमीबिक और इसका कंफर्म ये सब नहीं बताता ना, ये अल्ट्रासाउंड ये सब नहीं बताता, कोई नहीं बताएगा, इससे सिर्फ एक गाइड है कि पस है तो कितना एमएल है, कितना लीटर तो है, और किस लोब में इन्वॉल्व है, ये सब है इमेजिंग में। देखो छोटा सा ये देखो यहाँ देखो मैं बता रहा हूँ, ये देखो ये पस का ब्लैक है, जहाँ पस रहेगा वहाँ ब्लैकिश हो जाएगा और उसका हार्डनेस डल साइड लीवर जो है सॉलिड मटेरियल, इसलिए इसके कलर व्हाइट पैच बताया जाएगा, क्योंकि जो रे होगा इसको ट्रांसपेट पूरा कर लेता है लेकिन इसको पस रहता है वहां पर पूरा नहीं करता, इसलिए ब्लैक इसको ब्लैक ही कलर पता चल जाता है इसमें। इसमें एरो दिखाया है, ये देखो छोटा मल्टीपल छोटा स्मॉल है, ये छोटा छोटा है मल्टीपल है लिवर अफसेस में है, और इसमें बड़ा एक कैविटी है लिवर अफसेस का, ये स्मॉल है, ये भी मल्टीपल लिवर अफसेस में कह सकते हैं। इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द पैजेनिक लिवर अफसेस, पैजेनिक लिवर अफसेस में ड्रेन द पस, पस को ड्रेन के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं एफ एन ए सी करते हैं, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी से हम लोग
देखते हैं, अल्ट्रासाउंड बता देता है कि लेफ्ट लोब पर है या लेफ्ट लोब। उसके गाइडेंस में हम लोग सबसे पहले एफएनएससी से पता चल जाते हैं कि लीवर अब्सेस कैसे निकालना है। तो एफएनएससी करने से पता चल जाएगा कितना थीक है, थीन है। थीन है तो जल्दी निकल जाता है, 18 से 22 तक नीडिल से, 22 नीडिल से 18 नंबर नीडिल तक निकल जाता है। लेकिन उससे ज्यादा थीक होता है तो हम लोग ड्रेनेज डालते हैं, तब हम लोग डीले अंडरलाइन इन्फेक्शन है ना। देखो दो टाइप का ड्रेनिंग ऑप्शन है, परकुटेनियस में नीडल एस्पायरेशन। पहले देखते हैं कि फाइनेडिल से किस लोब में कितना तक का डीप भी पता चल जाता है। अगर थीन है तो निकल जाता है 18 नंबर नीडल से इजी। अगर थिक है तो हम लोग एक कैथेटर ड्रेनेज के लिए हम लोग दोनों इंटरकोस्टडीज में कॉमन जहाँ साइट है उसमें देखना पड़ता है कि 7 रिप टू 9 रिप में कॉमन मिलता है। लेकिन 9 रिप के बाद नहीं करना चाहिए क्योंकि वहाँ किडनी का पोजीशन आ जाता है, इसलिए 7 9 रिप से ऊपर ही में देखना चाहिए स्पेस किस स्पेस में है। उस स्पेस को पहले एफएनएससी से कंफर्म करना है पस कहाँ है, उसके बाद हम लोग कैथेटर ड्रेनेज के लिए इंसिजन डालते हैं दोनों इंटरकोस्टल बीच में। तब ट्यूब डालते हैं रबर ट्यूब कैथेटर और स्लाइस कटर डालते हैं, उसके हम लोग ड्रेनेज डालकर 2-3 दिन में इसको निकलते हैं। लेकिन ये कॉमन नहीं, हर जगह नहीं निकाल सकते हैं, साइड इफेक्ट इसके बहुत ज्यादा है क्योंकि दोनों पिलुरा के बीच में हम लोग डालते हैं, इसलिए परक्यूटेनियस न्यूमोनिया होने का चांस रहता है, इम्फिजमा होने का चांस रहता है। इसलिए न्यूमोथरेक्स कॉमन होता है, सबक्यूटेनियस इम्फिजमा हो जाता है, न्यूमोथरेक्स कॉमन होता है, इसलिए हम लोग एफएनएससी द बेस्ट टेक्निकल टूल डायग्नोस्टिक टूल होता है, निकाल कर पता चल जाता है। उसके बाद हम लोग कल्चर में भेजते हैं कि कौन बैक्टीरिया कंफर्म करने के लिए। एक डोज जल्दी निकाल लेते हैं तो पस की कैविटी में कम होता है, जिससे मेडिसिन में इजी जल्दी पेशेंट को इजी डिजीज खत्म हो जाती है। सर्जिकल ड्रेनेज में ओपन एंड लेप्रोस्कोपी है, ये सब हर जगह नहीं लोग करते हैं, बहुत बड़ी है। अंडर से ड्रेनेज सर्जिकल ओपन करना ड्रेन बहुत है, बहुत इसके साइड इफेक्ट ज्यादा है, इसलिए ये बहुत कम ही करते हैं। बहुत ज्यादा पूरे लीवर में पस भरा हो तब लोग करते हैं कि चलो जान जा रही है तो हमको इसको सेकेंडरी ऑप्शन कर लें, लेकिन सर्जिकल ड्रेनेज कॉमन नहीं करते हैं। ये परक्यूटेनियस नीडल एस्पिरेशन अभी जब मैं बताया वही है, अंदर गाइडलाइन से एस्पिरेशन करते हैं कैविटी मटेरियल कंफर्म करने के लिए। एफएनएससी उसी तो मैं बताया अभी, जैसे लार्ज बोर डेट इज कल 18 नंबर नीडल से हम लोग करते हैं लार्ज परसेंट, देखिए परसेंटेज रिक्वायर्ड सेकेंड और थर्ड एस्पिरेशन ऑफ द स्टीप सक्सेस, डेट 18 नंबर नीडल से बोर से इसे हम लोग करते हैं, इसलिए लार्ज परसेंटाइल है। उसके बाद परक्यूटेनियस कैथेटर ड्रेनेज अभी मैं बताया, तो उसी परक्यूटेनियस ड्रेनेज हैज बीन बिकम इन द स्टैंडर्ड केयर में शुड बी द फर्स्ट इंटरवेंशन कंसीडर फॉर अ स्मॉल सिस्ट, द पस इज टू थिक टू बी एस्पिरेटेड। अभी मैं बताया थिक है थीन है, उसके लिए ये सब मैं अभी बता दिया हूँ, इसलिए एफएनएससी इज द बेस्ट डायग्नोस्टिक टूल, उससे निकालेंगे और करेंगे। एडवांटेज है परक्यूटेनियस कैथेटर अभी मैं बता दिया हूं उस तरह से कैसे निकालना है क्या करना है, इसमें वही चीज बताया है। कंट्राइंडिकेशन भी मैं बता दिया हूं कि ब्लीड भी हो सकता है, इसलिए कंट्राइंडिकेशन टू द कैथेटर ड्रेनेज कोगुलोपैथी हो सकता है, ये डिफिकल्ट एसेस पैथ विद कैविटी पेरिटोनाइटिस न्यूमोथरेक्स, इसमें अभी जो बताया उसी तरह न्यूमोथरेक्स सबक्यूटेनियस इम्फिजमा बैठ सकता है, इसमें नहीं दिया है तो इसलिए भाई सोच समझ के करना पड़ता है एस्पिरेशन। उसके बाद मेडिसिन में एंटीबायोटिक थेरेपी का है कि कल्चर के बाद जब तक कल्चर में जाएगा जब तक ग्राम पॉजिटिव और निगेटिव दोनों मिक्स हम लोग एंटीबायोटिक चलाएंगे, ग्राम पॉजिटिव और निगेटिव हम लोग दो मिक्स एंटीबायोटिक जो चलाएंगे जब तक कंफर्म नहीं हो, जब कंफर्म हो गया तो ग्राम निगेटिव तो तब भी सेकेंडरी फिर से मिक्स हो करना ही है। इसलिए ग्रे देखो एंटीबायोटिक थेरेपी टू कवर ग्राम निगेटिव ऑर्गेनाइज एंड एनाडोप्शन, तो पहले ग्राम पॉजिटिव निगेटिव हम लोग जैसे कि सिफेक्सिन और ओफ्लोक्सासिन, तो सिफेलोस्पोरिन और क्विनोलोन दोनों मिक्स कर देते हैं हम लोग, दोनों मिक्स कर देंगे तो हम लोग जल्दी पेशेंट को कवर कर देगा ग्राम निगेटिव। दूसरा एनाडोप्स के लिए जैसे एनाडोप्स बैक्टीरिया के लिए मेट्रोनिडाजोल देते हैं, मेट्रोनिडाजोल देंगे, उसके बाद ओरनिडाजोल देंगे, सेट्रोनिडाजोल देंगे, लेकिन डबल पावर में जो एंटीबायोटिक जो हम लोग जो देते हैं ये
एंटी प्रोटोजोअल मेडिसिन एनएफ्स के लिए वह डबल डोज में दिया जाता है क्योंकि लीवर अब्सेस में हो या पैजोनिक लीवर अब्सेस अमीबिक हो या पैजोनिक लीवर द फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक आर द पेनिसिलिन डेपेंसिलिन इम्यूनोग्लाइकोसाइड एंड मेट्रोनिडाजोल मेट्रोनिडाजोल इज द एनएफ्स बैक्टीरिया के लिए और सेफालोस्पोरिन ग्रुप हम लोग जो देखते हैं ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को वर्क करने के लिए सब देते हैं कैन बी चेंज आफ्टर द कल्चर रिपोर्ट और उसके बारे में उसके बाद हम लोग एंटी प्रोटोजोअल मेडिसिन में हम लोग जो देते हैं सबसे बहुत है जैसे मलेरिया के एंटी क्विनोलोन ग्रुप जिस तरह अभी कोरोना वायरस में एक थेरेपी हम लोग देते हैं एंटी मलेरिया मेडिसिन चलाते हैं क्विनोलोन ग्रुप चलते हैं इसी तरह हम लोग इसमें भी शॉर्ट कोर्स में क्लोरोक्वीन 250 मिलीग्राम टीडीएस फॉर 5 to 7 days हम लोग इसमें देते हैं और एंटीबायोटिक का जो जो शेड्यूल है ये हम लोग 14 दिन फर्स्ट देते हैं लेकिन 14 से 28 दिन तक दे सकते हैं और एक ऐसा ही करके ज्यादा रहा जैसे मान लिया कि 1 लीटर ज्यादा पस है तो हम लोग एक डेढ़ महीना अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन हम लोग देते हैं तो इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है कि बिना इसमें ठीक जल्दी नहीं होता एंटी प्रोटोजोअल मेडिसिन में क्लोरोक्वीन ग्रुप हम लोग जरूर देते हैं उस जब तक कल्चर नहीं आता कल्चर आ जाता है जो सेट करेगा वह एंटीबायोटिक हम लोग चॉइस मेडिसिन देते हैं उसके बाद वही चीज है आईवी फ्लूड थेरेपी शुड बी कंटिन्यू आईवी फ्लूड डो या ओरली टेबलेट डो तो उसी हिसाब से हम लोग ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव के लिए कवर करते हैं उस हिसाब से तो इसमें 2 वीक फर्स्ट है उसके बाद आगे होगा तो उसके भी बढ़ाया जाता है 6 वीक तक हम लोग दे सकते हैं लेकिन उसके बाद भी रह जाता है जैसे टेट्रामेसिन टेट्रासाइक्लिन हम लोग देते हैं बहुत 200 मेडिसिन इसमें है टेट्रामेसिन टेट्रासाइक्लिन 200 मेडिसिन ओल्ड मेडिसिन है इसमें लीवर अब्सेस के लिए हम लोग देते हैं सर्जिकल ऑप्शन ड्रेनेज के सब पहले हम ये बता दिए कि सर्जिकल बहुत जगह सर्जिकल ड्रेनेज अवेलेबल नहीं है बड़े बड़े शहर में होते हैं बहुत ज्यादा पूरे लीवर में पसरे तब लेकिन इससे साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है कॉमन है इसलिए जल्दी साइड इफेक्ट से बचना चाहिए ये ओपन बता दिया ओपन करने के लिए प्रोस्कोपी मेथड बताया मेडिसिन देखो मेडिसिन हम अभी आप दूसरा है कि मैनेजमेंट ऑफ द अमीबिक लीवर अब्सेस तो अमीबिक लीवर अब्सेस अगर कंफर्म हो जाए है उससे तो मेट्रोनिडाजोल उसके डबल स्टेटमेंट देते हैं जैसे हम लोग 400 मिलीग्राम टीडीएस देते हैं तो इसमें लिखा है 750 मिलीग्राम टीडीएस फॉर 700 जैसे या सेट्रोनिडाजोल 300 मिलीग्राम हम लोग बीडी डेनल में देते हैं जेनरल मिट्टी लूज मोशन में या एनरोस मेडिसिन में के लिए देते हैं लेकिन उसको डबल में 600 मिलीग्राम बीडी फॉर 7 डेज हम लोग देते हैं या उससे ज्यादा भी दे सकते हैं और इसका देखो ये मेट्रोनिडाजोल का क्यूरेबल सक्सेस रेट 95% केस में सक्सेस है इसका दिखाया है एस्पिरेशन का मैं अभी बता ही दिया है लार्ज बोर से कैसे करना है वही क्या तरीका बताया कैसे क्या करें एस्पिरेशन ओपन ड्रेनेज इसके लिए दिया है देखो पस जो है उनको भी सॉस टमाटर के रसूप के तरह सॉस चटनी जो है उसके तरह हो जाता है अक्सर ये जो पस निकलता है ये कॉमन निकलता है ये पस का इसी कलर लीवर अब्सेस का रहता है देखो मिला हुआ मिक्स रहता है ऐसा तो ये कॉमन मिलता है लीवर और सब में ऐसा पस निकलता है इसमें कॉमन उनको भी सॉस लेके डाटी टमाटर को रसूप लेके कलर हमें अक्सर मिलेगा ये ऐसा पस रहता है ट्रीटमेंट ऑफ द इंटेस्टाइन कैरियर ट्रीटमेंट जो उसमें मैं बताया हूँ उसी के बाद है कि एंटी अगर फंगल है तो देखो एंटी फंगल पैरामोमेसिन जो है हम लोग कालाजार में लोग यूज किए हैं लेकिन जितने भी मेडिसिन कालाजार में लोग यूज करते हैं एंटी फंगल मेडिसिन होता है जैसे पैरामोमेसिन है उससे पहले एम्फोटेरिसिन बी है वो भी जे तो ये सोडियम एंटी मनी ग्लूकोनेट है जितना था ये जितनी कालाजार के हम लोग मेडिसिन जो यूज करते हैं मॉडर्न मेडिसिन में वो एंटी फंगल ही करते हैं प्रोटोजोअल एंड फंगल करते हैं इसलिए देखो पैरामोमेसिन 25 से 30 मिलीग्राम पर केजी बॉडी ओरली 4-7 डेज 3 डिवाइडेड डोजेज में करते हैं उसके देखिए आइडोक्विनोलोन अभी हमें बोला क्विनोलोन ग्रुप के वो हम लोग देखते हैं डेलोक्सानाइड फ्रुएट ये एंटी एमीबिक मेडिसिन है देते हैं इसका लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग है ये सब है अब है और कॉम्प्लिकेशन लीवर अब्सेस में हम लोग अभी मैं बता चुका हूं तुमको इम्फिजमा होगा वही बताया कि इम्फिजमा होगा रेप्चर हो सकता है लीवर अब्सेस पेरिटोनाइटिस रेप्चर हो सकता है इसलिए इससे बचना चाहिए जल्दी ओपन से कॉम्प्लिकेशन ये है और
ओपन कर दो तो सब ओपन सब हो जाओ क्योंकि 5 मिनट रह गया, 10 मिनट, 10 मिनट 5 मिनट बार की है, जो क्वेश्चन करना पूछो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉपिक है ये लीवर अफसेस का, अमीबिक लीवर अफसेस एंड पायोजेनिक लीवर अफसेस के लिए, इसलिए तुम लोग बताओ जल्दी क्या पूछना है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें जो चीज पूछना मैं बताऊंगा इसको, आज भी मैं इसको 1 लीटर निकाल रहा हूँ लीवर अफसेस, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और तुमको रोज प्रैक्टिस में मिलेगा। हाँ बताओ। अरे सर ये जो लीवर अफसेस बताए तो सर पानी पीने से जो बताए, पानी पीने से लीवर अफसेस बताया, हाँ कॉमन अमीबिक लीवर अफसेस होता है, कॉमन अमीबिक अफसेस जो होता है सर, तो मतलब पानी जो पीते हैं या अल्कोहल लेते हैं तो दोनों में सर अल्कोहल होता है पानी में, तो इसमें अफसेस होता है। पानी में क्या, देखो इंटेस्टाइन को इन्वॉल्व ज्यादा करता है समझे, और वहां से पेंटेट का इंटामेबास्टेट का टारी पीने के टारी में कॉमन इंटामेबास्टेटिक आलो पर है, क्योंकि जो तारी जो देखोगे दो तारी का पेड़, तार का पेड़ में देखोगे जो तारी का लगा रहता है पेड़ में जो बर्तन, 2-3 दिन तक तारी थोड़ा थोड़ा गिरते रहता है और उसमें बैक्टीरिया वायरस मधुमक्खी और सब कीड़ा सब छोटा छोटा कॉमन पाया जाता है तारी में, वही लोग पीते हैं, इसलिए कॉमन उसमें इंटामेबास्टेटिक हो गया, एक हाइजेनिक नहीं रहता है और जनरल अल्कोहल में हाइजेनिक रहता है, लेकिन इसमें एक स्प्रिट है उसमें लेट्स होगा, लेकिन कॉमन लीवर तारी में कॉमन अनहाइजेनिक की वजह से कॉमन इंटामेबास्टेटिक हर जगह है, हर जगह इंटामेबास्टेटिक का प्रेजेंट रहता है, इसलिए कॉमन इजी पेंट्रेट करता है, चाहे ओरल फीक और रूट, ओरल से भी इंटामेबास्टेटिक पेंट्रेट करता है इंटेस्टाइन को, और वो अपना घर इंटेस्टाइन में रहता है, वहीं से पेंट्रेट करके हम लोग को पोर्टल पोर्टल वेन थ्रू डायरेक्ट में, यानी कह सकते हो कि सुपीरियर मेसेंटरिक आर्टरी थ्रू या पोर्टल सिस्टम थ्रू लीवर में पेंट्रेट कर जाता है। बताओ कॉमन अपने बिहार में खासकर पायोजेनिक लीवर अफसर कम होता है, पायोजेनिक लीवर जैसे क्रोन डिजीज है, पहले से क्रोन डिजीज है, इम्यूनोसप्रेशन उसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया इन्वॉल्व हो, वहां से पेंटेट करके देगा, लेटेंट में स्टेज देगा, पहला रूप में सबसे ज्यादा जितना मिलता है सबसे ज्यादा अमीबिक लीवर अफसेस मिलता है कॉमन। और यूनानी मैनेजमेंट सर क्या हो सकता है? देखो देखो जो बात है रियली यूनानी मैनेजमेंट में सिम्टोमेटिक टीम दे सकते हो, जो हम लोग अर्के मक्कू कासनी स्वेलिंग का खत्म करने एंटीबॉडी, लेकिन इसमें ओरिजिनल इलाज नहीं है यूनानी में, पस को इतना जल्दी पस और इतना जल्दी खत्म नहीं किया जाता, बहुत 1.5-2-3 महीना लगेगा जब तक पूरे लीवर खराब हो जाएगा, जब पेशेंट जब तुमको साइन सिम्टम लेके आएगा तो इतना चिल्लाएगा, इतना पेट दर्द कहेगा तुमको, पेशेंट नोजिया वोमिटिंग जॉन्डिस था सेकेंडरी इन्फेक्शन शुरू हो जाता है, तुम लोग 1.5 महीना तो रोक नहीं सकते इस पेशेंट, इसलिए यूनानी में कंफर्म इलाज इसका नहीं। सर एक सर एक सर डाउट है, एक सर सर पस जो हम लोग निकालते हैं तो उसके लिए क्या इंडिकेशन देखेंगे? क्या क्या बोले? पस जो निकालते हैं तो मतलब पस निकालना जरूरी होता है हर एक पेशेंट में? नहीं नहीं देखो 200 ml के अंदर रहता है तो निकलेगा भी नहीं, 200-250 ml के, 250 ml के बाद ज्यादा रहता है तो एक कैविटी बड़ा कैविटी बना लेता है, मान लिया कि अमीबिक लीवर अफसेस है तो एक बड़ा कैविटी, अब पायोजेनिक लीवर अफसेस में छोटा छोटा ज्यादा कैविटी बनता है, तो वह कैविटी को क्या कह रहा है पेरिटोनियल, ये जब भी लीवर अफसेस रहता है वहाँ वाल भी रहता है, किसका वाल रहता है? पेरिटोनियल वाल है, उससे गिरा रहता है दे, और उससे वाल में सेकेंडरी इन्फेक्शन लीक भी कभी कभी कर जाता है, ज्यादा होता है, इसलिए कॉमन देखना कि रिप्स के लिए हम लोग 9-7 रिप्स वहां निकालते हैं, कॉमन वहां इजी मिल जाता है, समझे, प्लूरा वहां सटा हुआ है, टच है तो प्लूरा से फ्लूड में प्लूरा में इन्फेक्शन लीड कर जाता है अक्सर, हमको पूरे पेट में आ जाता है लीवर का, पस नीचे तक आ जाता है सेकेंडरी में, आज मैं निकाला हूँ उसको एब्डोमेन से लीवर अफसेस का ड्रेनेज होकर लीवर अफसेस एब्डोमेन निकाला, अभी 1 लीटर निकाल के आया हूँ अभी, तो लीवर अफसेस। हेलो सर। हाँ बोलो। कर रहे हैं तो इसका सर अगर राइट लोब में होने हो रहा है तो इसका क्या मतलब रीजन हो सकता है? क्या चीज़ राइट लोब में हो रहा है? हाँ तो वही ना बोले, हम बताए कि पोर्टल है, पोर्टल